Yes, a very good morning to all of you. We were revising chapter number 1, real numbers. Tomorrow is your first revision test. 20 marks ka test hoga, jisme aapko har tarah ke MCQ, standalone, assertion reasoning, and even case study based, right? As you have to attempt 40 questions in 90 minutes in a coming exam. So you will be given 45 minutes to attempt 20 questions. Yes. So we were discussing example number 4. One thing yesterday I was telling you about properties of LCM and HCF. One thing you have to keep in mind that when we are calculating HCF and LCM of two numbers, HCF of two numbers should always be factor of LCM. HCF should be factor of LCM. Or in the other way, you can say that LCM must be multiple of HCF. जैसे कि अगर आपके पास दो नंबर्स हो, लेट मी टेक वन नंबर टू बी 18, अनदर टू बी 155. इफ इट इज रिटन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, दिस इज एचसीएफ एंड दिस इज एलसीएम, इज इट पॉसिबल दैट द टू नंबर्स एट द सेम टाइम दे हैव आर हैविंग 18 एज एचसीएफ एंड 155 एज एलसीएम? हो सकता है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट कांट हैपन. व्हाई सो? Because HCF should be the factor of LCM. HCF हमेशा LCM का factor होना चाहिए, या फिर आप दूसरे words में बोल दो कि LCM should be the multiple of HCF. So two numbers they can't have 18 as LCM, HCF and 150 as LCM at the same time. So this is the another property of LCM and HCF. So we are doing example number 4. On the basis of which so many things I have to tell you as far as the extra questions are concerned. So the question we were doing yesterday, example number 4. There are 420 kaju barfis. हंसने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है. एंड 130 बादाम बर्फी. द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर. हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ काजू बर्फीज हो एंड आए एंड दे टेक अप द least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stacks for this purpose? देखो यहाँ पे तो उसने end में maximum word mention कर दिया. Otherwise question ऐसे भी डाला जा सकता है that what should be, how many burfis should be placed in the trays so that they cover least area of the tray. When the question is like this, maximum word कहीं mention ही नहीं है, उसने सीधा सीधा बोल दिया लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. तो आपने जो आपको गिवन है दैट इज नॉट अबाउट ट्रेस. वहां पे ट्रेस का नंबर नहीं दिया हुआ कि अगर लीस्ट ट्रेस लिखा है तो हम उनका एलसीएम निकाल लें. ये कुछ क्वेश्चंस में यही आपने ध्यान देना है कि जिसके जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड जो वर्ड यहाँ पे मैंशनड है लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, क्या वो चीजें दोनों सेम है? अगर वो दोनों चीजें सेम हो तब जो लिखा होता है वही फाइंड करना होता है. अगर दोनों चीजें डिफरेंट हो देन द सिनेरियो बिकम्स डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ही सेज लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. एरिया ऑफ द ट्रे विल बी लीस्ट इफ द बर्फ इज प्लेस्ड इन द ट्रे विल बी द मैक्सिमम. अगर एक ट्रे में ज्यादा से ज्यादा बर्फीज रखी जाए तभी एरिया ऑफ द ट्रे जो है वो कम यूज हो सकता है, लीस्ट यूज हो सकता है. सो
we will firstly find the HCF because we want to place the maximum burpees in the tree. 120 and 130 का हम HCF निकालेंगे क्योंकि अब यूक्लिड लेमा का जो है वो क्वेश्चन खत्म ही हो गया. यूक्लिड लेमा इट्स बीन डिलीटेड. सो वी विल डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. नाउ 30 इज द रिमाइंडर. हाँ जी दिलप्रीत यहाँ पे क्या लिखे हम. HCF नहीं निकालना आपको. स्पीक लाउडली. वट एवर इज दिस डिवाइजर दिस विल बिकम द डिविडेंड. उसको हमने डिविडेंड बना देना. दिस इज ऑन 4. नाउ वट एवर इज दिस डिवाइजर दैट विल बिकम डिविडेंड. तो जिस डिवाइजर ने आपको रिमाइंडर जीरो दिया वही एचसीएफ बन गया. सो एचसीएफ इज 10. तो कितने स्टैक्स इसको बनाने चाहिए. 10 stacks he should make so that they can cover the least. In each stack, अगर मैं question इसमें एक add कर दूँ, in each stack, how many kaju barfi will be replaced, will be placed? Forty two kaju barfis. एक stack में कितनी होंगी 42. और similarly 130 stack, 130 10 stacks 30. सो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ईच रो में कितने बंदे आएंगे. जैसे एक क्वेश्चन आगे भी है बुक वाला भी वो भी हम करेंगे. देन आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली. चलिए कम टू पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1. An army. अब देखो इसमें से second, fourth, fifth question they being deleted because they are based on Euclid division lemma. Euclid division lemma delete हो गया तो इसका मतलब Dilpreet sit properly and listen whatever I'm saying. Euclid division lemma अगर delete हो गया तो ये properties जो Euclid division lemma के through prove होनी थी they being deleted, right? So let us discuss question number 3. An army contingent of 616 members. Total 616 members. Is to march behind an army band of 32 members in a parade. ये है army के member और band persons कितने हैं? 32. There are 32 band persons जिनके पीछे आर्मी ने मार्च करना. आपने देखा होगा हमारे स्कूल का जब एनुअल फंक्शन होता है तो बैंड में मेन 7 बच्चे होते हैं जिनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स रख रहे होते हैं बाकी सारी जनता उनके पीछे पीछे चलती है. सेम वे द क्वेश्चन इज द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में दो ग्रुप्स में मार्च करना है. दैट मीन्स कि अगर 7 कॉलम्स में जो है बैंड मेंबर्स खड़े हैं तो जो फॉलोअर्स हैं उनको भी 7 कॉलम्स में ही अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट ही सेज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. अब यहाँ पे कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए जिसमें कि वो मार्च कर सके. मैक्सिमम वर्ड्स वर्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमने इसका एचसीएफ निकालना है क्योंकि कॉलम्स जो है वो मैक्सिमम तभी होंगे जब हम इनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें. दैट मीन्स जब हम एक जो कॉलम में है इन दोनों का एचसीएफ जितना आएगा उतने बंदे खड़े करें. वैसे भी मैक्सिमम वर्ड एचसीएफ को इंडिकेट करता है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज एचसीएफ ऑफ 32 एंड 116. लेट अस फाइंड. साथ साथ करो कैलकुलेशंस.
sorry. एक मिनट, so when we divide 616 by 32 we get 8 as remainder, so this 8 will become divisor and the pichle wala divisor will become dividend. यहाँ पे 8 हमारे पास जो है वो HCF आया, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनने चाहिए, 8, जिनमें कि अगर हम 8 कॉलम्स बनाते हैं तो जो कॉलम्स में सेम नंबर ऑफ आपके पास बैंड मेंबर होंगे एंड सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे. और अगर साथ में मैं एक क्वेश्चन अटैच कर दूं दैट इन ए कॉलम हाउ मेनी बैंड मेंबर्स एंड हाउ मेनी फॉलोअर्स आर देयर, देयर आर 32 बैंड मेंबर्स, तो हर एक हमारे पास कॉलम है 8, तो एक कॉलम में कितने होंगे, 4 बैंड मेंबर्स. And there are 8 columns and 616 members. So, har ek column mein members kitne honge? 77. Aise char band wale persons khade honge. Aur unke iske piche 77 ki fold hogi. Same. So, question can be asked like this also. Also tell that how many band members are there in a column. And accordingly, how many followers are there in the in a column, right? Chaliye. Next exercise is based on fundamental theorem of arithmetic that we have already done. Dilpreet, what is fundamental theorem of arithmetic? Yesterday I told you. Stand up. कल आपका टेस्ट है, यू माइट हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ. व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स? सिमरप्रीत, स्पीक लाउडली, यू आर नॉट ऑडिबल, स्पीक अप. कल बताई थी ना मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, आज आप बताओ. कार्तिक, ये तो आप मुझे मतलब उसकी इम्प्लीकेशन बता रहे हो ना, मुझे मेन डेफिनेशन बताओ उसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कीर्ति, इन अ यूनिक वे. तो आप लोगों को कल डेफिनेशन कराई, आज भूल गई. ठीक है, पेपर मुझे लगता है आपका 19 सितंबर को है, तब तक क्या याद रहेगा बता दो मुझे, याद रह पाएगा कुछ? और सारा पेपर डेफिनेशन बेस्ड है, assertion, reasoning, all will be definition based. तो अगर हमें डेफिनेशन नहीं आती तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पेपर का पूरा करके आएंगे. बहुत गलत बात है. कार्तिक, आपसे नहीं मैं ये एक्सपेक्ट करती, हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ और हमें फंडामेंटल थ्योरम की डेफिनेशन नहीं आती. बच्चे करना चाहिए ना, फिर रोज अगर हम मैथ्स को हाफ एन आवर से स्टार्ट करो, 1 आवर तक पहुंचो, नहीं दे पा रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पेपर अच्छा करके आएंगे. Then to you, well in advance, you should tell your parents your result so that afterwards they should not be disappointed. बाद में disappoint होने की करने की बजाय उनको पहले बता दो कि मम्मा मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा result आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये होगा. बाद में frustrated होते हैं ना parents कि क्यों आपके marks कम आए, teachers अलग, parents अलग, हम खुद अलग. एक डेफिनेशन नहीं हमें आती, कल करी हुई है.
every composite number can be expressed as a product of prime numbers, and this expression or this prime factorization will always be unique, excepting the neglecting the order of the prime factors. Right, job. So with the help of fundamental theorem of arithmetic, we have learned that how to find the HCF and LCM of the numbers. Exercise 1.2. I am taking question number first, fourth part. Number is 5005, right? Let us take its LCM. इस टेबल पे जाएगा ये 11 पे. हाँ 11 पे. सो इफ वी राइट दिस वैसे ये हमने एलसीएम एलसीएम में जस्ट हमें एक्सप्रेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए था इसका. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड about the relation between LCM and HCF of two numbers. What is the relation between LCM and HCF of two numbers? LCM into HCF equal to product of two numbers. HCF into LCM is equal to product of two numbers. And this result will hold only when there are two numbers. Sirf do numbers ke case mein ye result hold karega. If we say that LCM into HCF ka jo product hai, that is equal to product of the numbers in case of three numbers, that is not true. This result will hold when only when we are taking the LCM and HCF of two numbers, right? Question number second. Look at the third part, 336 and 54. Find the LCM and HCF of the number using fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic use karte hue hame LCM HCF find karna hai. So 336 can be written as 2 raised to power 4, 3 raised to power 1, 7 raised to power 1. And the second number 54. Can be written as 2 into 3 raised to power 3. Now LCM and HCF of two numbers are to be find out. So if we are talking about HCF, HCF is the highest common factor and it is smaller than both the numbers. When we are take, we have to take it, we have to make it smaller. We have to take only the common prime factors with their least power. Common prime factor. So if I talk about common, 2 is the common prime factor, but it is power 1. And 7 will not be considered as 7 is not the common factor. So this is 6. So if we are talking about LCM, LCM ko humne bade se bada answer, LCM dono se bada hota hai. To dono se bada number lane ke liye, what we people do? Hum lenge every prime factor and its highest power. So agar maine 2 liya to 2 raised to power 4,
3 raised to power 3 into 7. This is the LCM. Also, it is written that verify the relation that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers. Let us see. LCM into HCF. 3024 into 6. is the product of LCM and HCF. And so should be the product of the numbers. Numbers were 336 and when you will multiply, you get the same. This is the relation between LCM and HCF. MCQ can be like this. Which of the following relation holds in the HCF and LCM? HCF over LCM is equal to product of the number. HCF into LCM is equal to product of number. 2 times HCF is equal to 2 times LCM. Kuch aisa kuch bhi dal ke aapse pucha ja sakta hai that which option is correct, and accordingly you have to choose the correct option. Theek hai? Chalo. Question number 5 is being deleted. Question number 7th. Second part humne kal kar liya tha. First part dekho. 7th question, first part. Sorry, 6th question, first part. Check that how this number is a composite number. Check how this number is going to be a composite number. So when we are talking about composite number, Praprit, define what is composite number. The number which is having factor other than 1 in itself is known as composite number. Until or unless we are not breaking it, we are not having two factors of this number, we can't say anything about this. Number is consisting of the two terms, which is to be converted into one term only. So I can take 13 as common. Way of solving are different. Some of the children, what they do, they multiply it and then factorize one of the same thing. Hame ek single number leke aana tha aur beech mein se plus ka sign omit karte hue. So when I did the process, I get this number as a product of the prime factor. So when a number is expressed as a product of prime factor, that number is called composite number. So we can say that 7 into 11 into 13 plus 13, this is a composite number. Look at question number 7. Seventh question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive the round and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? I told you, whenever there is question regarding meeting again, whenever there is question regarding blinking of the traffic lights again, meeting again, matlab ki concerned with the time, kitne time ke baad ye milengi aapas mein, kitne time ke baad traffic lights dubara blink karengi, that means question
of meeting point, and that is two with respect to point, they always deal with the concept of LCM. उनको हमेशा हम LCM के concept से deal करेंगे. Question can be like this. After यही question देखे, after how many times they will meet? टाइम लिखा होगा आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर दिस मिनट, आफ्टर दैट मिनट, एंड दे विल नेवर मीट. ये भी ऑप्शन हो सकता है. तो यू हैव टू गो इट अकॉर्डिंगली, डील इट अकॉर्डिंगली. सो अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे दे विल द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 36, 18 एंड 12. तो दिस इज 36 आंसर आएगा सर. तो दिस इज यू हैव टू सी कि हमें एलसीएम निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में. प्रॉब्लम यही होती है रियल नंबर्स में, जो स्टेटमेंट्स हम है, बच्चों को इसी चीज की कंफ्यूजन रहती है कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएम, जिसकी वजह से उनका जो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है. आगे तो हम कह देते होते थे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है प्राइम फैक्टर्स बना के आ जाओ. आपको अगर एलसीएम एचसीएम के कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, अगर आप प्राइम फैक्टर्स बना दोगे और क्वेश्चन एलसीएम का बाद में एचसीएफ निकालोगे तो आपको आधे नंबर मिल जाते होते थे सब्जेक्टिव पेपर में. पर अब ऐसा नहीं होगा. सब्जेक्टिव पेपर में बच्चे क्या करते थे, फैक्टर्स बना दिए, प्राइम फैक्टर्स बना दिए और क्वेश्चन एलसीएम का है, बाद में यूज करते हुए फंडामेंटल थ्योरम एलसीएम निकाल दिया तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर मिल जाते थे. बट अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ बिंदी के नंबर मिले और बिंदी सही जगह पे लगी होनी चाहिए. अगर यहाँ पे लगी होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना. एबीसीडी में से व्हाटएवर विल बी द एग्जैक्ट आंसर, बिंदी शुड बी प्लेस्ड देयर. ठीक है, इस बार बीच बचाले वाली कंडीशन खत्म हो गई, आधे नंबर मिल जाएंगे. अब तो दिलप्रीत जी या आर या फिर पार. ठीक है, तो आप लोगों ने जो पढ़ना छोड़ा हुआ है ना उसको जरा दोबारा रीस्टार्ट कर दो. सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, दिस विल बी 36. That means after 36 minutes, the two, they are going to meet. और इस question में अगर मैं एक और question add कर दूं, that when they are meeting after 36 minutes, when they are meeting, in that time, how many rounds Sonia have made and how many rounds Ravi had made? Sonia is taking 12 minutes to cover a round. एक round लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, और अगर वो 36 मिनट्स के बाद मिलते हैं तो सोनिया ने उस टाइम तक कितने राउंड्स लगा लिए होंगे, 2 राउंड्स. और अगर वो 12 मिनट्स के बाद, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं और 36 मिनट्स के बाद वो मीट कर रहा है, तो रवि को 36 ओवर 12 दैट इज 3 राउंड्स, रवि को 3 राउंड्स लगेंगे उस जगह तक पहुंचने में. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जो कि टाइम के साथ कंसर्न्ड हो कि कितने टाइम के बाद ये चीज दोबारा रिपीट होगी, ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, दैट विल बी डील विद द हेल्प ऑफ एलसीएम. देन वी हैव स्टार्टेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, revisiting irrational numbers. If you know the definition of rational number, then very easily you can tell me the definition of irrational number. Kanishka, what is irrational number? Rational number किसको कहते हैं? आपने 7th, 8th, 6th सारी क्लासेस में किया. स्क्वायर रूट निकल जाए. बेसिक डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या होती है? यस वंशिका, उन पे कोई कंडीशन होती है पी एंड क्यू पे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स. सिक्स में करी, सेवन्थ में करी, नाइन्थ में करी, टेंथ में फिर भूल गई. Which can be written in the form P by Q, where P and Q are integers. और 15 दिन जब के बाद जब एग्जाम में बैठते हैं तब पता नहीं क्या क्या भूला हूँ, है ना? तब हम अपनी भूली बिसरी यादें सब पेपर में उड़े उड़ेंगे, है ना?
ये कुछ याद होगा होगा, चलो देखते हैं क्या करते हो आप लोग, कुछ याद होगा कि बस ऐसे ही। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखना 15 मिनट में पेपर कर देना ऐसे डॉट्स लगा के और कहना पेपर हो गया। अगर कुछ ना आता हो तो क्या तरीका होता है पेपर करने का, सारे ए ए ए ए ए ए कर दो, प्रोबेबिलिटी 5-7 तो ए होंगे ही, या सारे बी कर दो या सारे सी कर दो सारे डी कर दो। ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं। वैसे तो हमें समझाया जाता है कि टाइम मैनेज करो, पर कहा जाता है कि मान लो आपके 10 क्वेश्चन रह गए और टीचर पेपर कलेक्ट कर रहा है, तो आप सारे ए ए ए सारे बी बी जो भी आपका फेवरेट लेटर है ना सारे वो कर। क्या अच्छा ये मतलब और चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी को क्लोज कर रहा है, कहता 4 के A कर दो, 4 के B कर दो, 4 के C कर दो, 4 के D कर दो। चलो एनी हाउ हम ऐसी सिचुएशन में आए ही ना, हमें आता होगा, हम अपना पूरी मेहनत से जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू स्टार्ट विद केस स्टडी एंड देन डू दोज क्वेश्चंस विच आर जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, की डेफिनेशन है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो जाने वो तो जो कि डेफिनेशन पार्ट पे बेस्ड है। देन डू विद द कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एंड इफ सम क्वेश्चन इज हैविंग द बिगर द लॉन्गर कैलकुलेशंस लीव इट एंड डू इट इन डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, कुछ बच्चे तो पानी पीने में बाहर जाने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपके पास 1.5 आवर होगा, उसमें आपने अपना टाइम जो है वो मैनेज कर। चलिए तो रैशनल नंबर की डेफिनेशंस वी हैव डन, इट इज इन द फॉर्म पी बाय क्यू। 3 conditions आर देयर विच मेक ए नंबर टू बी रैशनल नंबर, इट शुड हैव न्यूमिरेटर, इट शुड हैव डिनोमिनेटर। P and Q should be integers and denominator Q should not be equal to 0. Irrational number जो rational नहीं है वो irrational है। Pass कौन है? जो fail नहीं है वो pass है, है ना? इसी तरह से irrational कौन है? जो rational नहीं है वो irrational है। जो P by Q की form में नहीं लिखा जा सकता वो irrational है। और वैसे हमने mathematical definition क्या की थी? A number which is of the form root m, where m is not a where m is not a perfect square is called irrational number. फिर एक डेफिनेशन हमने करी रैशनल एंड इरेशनल की ऑन द बेसिस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। उससे उसको करने से पहले हमने ऑपरेशंस ऑफ इरेशनल नंबर भी तो किए थे ना, रैशनल इरेशनल के ऑपरेशन। When we add rational to irrational, the answer is irrational. We continue tomorrow.